नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नंबर 2, जिसमें मैंने हैकिन एशी चार्ट्स और स्टॉकेस्टिक RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप इस स्ट्रैटेजी की सहायता से कैसे इंट्राडे कर सकते हैं या आप इसको यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले चार्ट की सेटिंग्स क्या करें, और इस स्ट्रैटेजी के दोस्तों कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स हैं, वो रूल्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। किसी भी स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन सब रूल्स की भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आप इस इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो मैंने आपसे शेयर की थी वो देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1 मैंने अपलोड की थी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये आज की जो है ये स्ट्रैटेजी नंबर 2 है, जिसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैकिन एशी चार्ट्स और स्टॉकेस्टिक RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कोई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो कॉम्बिनेशन दो टेक्निकल इंडिकेटर्स का हो या वो कॉम्बिनेशन किसी चार्ट पैटर्न का और किसी एक टेक्निकल इंडिकेटर का हो, तो ये किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अगर आपको सफलता के बारे में जानना है कि इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करते हुए आपको अगर सफल होना है उसके अंदर, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको सफल होना है, आपको सक्सेसफुल ट्रेड्स लेने हैं, तो हमें इन्हीं सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रेटजी होती है वो इसी सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इन दोनों हैकिन एशी चार्ट्स और स्टॉकेस्टिक RSI इंडिकेटर के 36 के 36 गुण मिलते हैं। जैसे कि शादी करते समय 36 गुण मिलाते हैं, तो वैसे ही इन दोनों के 36 गुण मिलते हैं। मैं आपको ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी टेस्टिंग की है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, और मैंने पाया है कि लगभग ये 100% तक सही है। अब 100% कहना शायद कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है मैंने स्टॉक्स वैसे सेलेक्ट किए जहाँ पे ये दोनों जो आपके टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट और इंडिकेटर फिट बैठे। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो ये मेरी स्टडी थी या जो भी मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया उसको मैंने पेपर ट्रेडिंग भी करके देखी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के ऊपर, वहाँ पर मुझे लगभग 100% सही रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हैकिन एशी कैंडलस्टिक्स और स्टॉकेस्टिक RSI टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो एक दूजे के लिए बने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप इसका इस्तेमाल दोनों इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट सेटिंग्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये चार्ट जो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है एक, तो इसके ऊपर एग्जांपल के लिए मैंने इन्फोसिस का स्टॉक ओपन किया हुआ है। तो यहाँ जैसे काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि मैं आपको बेसिक्स बताऊं कि भी ये चार्ट या कैंडलस्टिक्स मैंने कैसे सेलेक्ट की, ये इंडिकेटर कैसे सेलेक्ट किया, इसकी क्या क्या सेटिंग की, तो वो सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, हैकिन एशी कैंडलस्टिक्स को सेलेक्ट करने के लिए आपके investing.com पे यहाँ पे ऊपर एक बार स्टाइल करके एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बार कैंडल हॉलो कैंडल्स, तो यहाँ पे ये चौथे नंबर की ऑप्शन है हैकिन एशी, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर हैकिन एशी कैंडलस्टिक्स का पैटर्न बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको स्टॉकेस्टिक RSI का इंडिकेटर यहाँ पे अपने चार्ट के ऊपर लेके आना है, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स करके एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करिए, नीचे आइए और यहाँ पे स्टॉकेस्टिक RSI को आप सेलेक्ट करिए, तो ये इंडिकेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इस चार्ट की हम सेटिंग क्या करें, तो मैं आपको एक एक करके सेटिंग्स बता देता हूँ कि आप इसमें क्या सेटिंग्स करें, क्योंकि सेटिंग्स का ही सारा खेल है। अगर आपकी सेटिंग्स गलत होगी तो आपको एक गलत पिक्चर दिखाई देगी, और अगर आपकी सेटिंग्स सही हैं तो आपको एक बहुत अच्छा निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप
मैंने यहाँ EMA 40 दिन का ऐड किया हुआ था, उसको मैंने डिलीट कर दिया, उसकी इस एनालिसिस में कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेटिंग्स के लिए आप हैकिन एशी के लिए कोई ऐसी सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे चार्ट की सेटिंग्स जो है स्विंग ट्रेड के लिए, यहाँ पे आप 30 मिनट का चार्ट ले सकते हैं, और इंट्राडे के लिए आप जो है 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट लेते हैं तो उससे क्या है कि आपके फॉल्स सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं। आप जितना छोटी अवधि का चार्ट लेंगे आपके उतने ज़्यादा फॉल्स सिग्नल होंगे। तो इंट्राडे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी ट्रेड करने से पहले उस स्टॉक का ट्रेंड जान लें। ट्रेंड जानने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप शुरू में 30 मिनट की कैंडल देखें, बट उसके बाद आप अपने चार्ट की सेटिंग 15 मिनट कर लीजिए। और इसी तरीके से अगर मैं स्विंग ट्रेड के लिए इस एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाके 30 मिनट सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मैं ये इस ट्रेड को कुछ दिन तक अपने पास कैरी फॉरवर्ड करूं या मैं उसमें अपनी पोजीशन बना के रखूं। तो यहां पे 30 मिनट सेलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को फॉल सिग्नल ना मिले इस ट्रेड में, ताकि मुझे स्विंग ट्रेड में नुकसान ना हो। तो इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि स्विंग ट्रेड के लिए आप 30 मिनट सेलेक्ट करिए और इंट्राडे के लिए 15 मिनट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इंट्राडे की सेटिंग सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए रूल्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगा कि आप किन रूल्स का ध्यान रखें। अगर इसमें से कोई भी रूल किसी ने भी तोड़ा, मैंने भी तोड़ा, तो यहाँ पर हमें नुकसान हो सकता है, और ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दोस्तों हैकिन एशी जो कैंडल स्टिक्स हैं उसके लिए सिंपल सा रूल है, ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल आ जाती हैं तो वो एक आपका बुलिश साइन होता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही आपकी दो ग्रीन कैंडल आई वो एक बुलिश साइन हो जाता है, और जैसे ही आपकी दो रेड कैंडल आई तो वो आपका एक बियरिश साइन होता है। तो इसको हम एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है या गलत, क्योंकि कोई भी आप रूल बनाएं तो आपको काफ़ी जगह उसको चेक करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ साफ दिख रहा है कि जैसे दो ग्रीन कैंडल आई तो ये बुलिश साइन है, उसी तरीके से यहाँ पर दो रेड कैंडल आई तो ये एक बियरिश साइन है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सिस बैंक का एग्जांपल क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो सिचुएशन है ये आपको सिंगल स्क्रीन पे विजिबल हैं, तो आप एक क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि बुलिश साइन क्या होता है हैकिन एशी में और बियरिश साइन क्या होता है। और नॉर्मली ये ट्रेंड जो है वो फॉलो होता है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो ग्रीन कैंडल आई तो वो एक बुलिश साइन है, उसी तरीके से दो रेड कैंडल आई कॉन्जिक्यूटिव एक साथ तो वो एक बियरिश साइन है, उसके बाद स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों हैकिन एशी का रूल। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्टॉकेस्टिक RSI का क्या रूल होना चाहिए। तो यहाँ पे investing.com पे जो स्टॉकेस्टिक RSI का इंडिकेटर है दोस्तों, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ओवरबॉट जोन के लिए 80 है और ओवरसोल्ड जोन के लिए 20 है। तो ये सेटिंग जो है ये कंजर्वेटिव जो निवेशक हैं जिनको ज़्यादा फॉल सिग्नल नहीं चाहिए और जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, उनके लिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पे अगर आप इस सेटिंग्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लेंथ और आपकी RSI की लेंथ और स्टॉकेस्टिक की जो लेंथ है वो 14 दिन रखी गई है। मेरे ख्याल से ये कंजर्वेटिव निवेशक के लिए ये सेटिंग्स भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अब जैसा कि मैं आपको एक अपने RSI वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं या अगर आप थोड़े से और ज़्यादा आपको है कि भाई हमें ट्रेड जो है वो थोड़ा प्री एम्प्टिव ट्रेड करना है, मतलब कि जब वो ट्रेंड शुरू हो हमें तभी उसमें एंटर करना है, या स्विंग ट्रेड अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं वो चेंज की जा सकती हैं स्टॉकेस्टिक RSI में। तो स्विंग ट्रेड के लिए नॉर्मली जो सेटिंग्स इस्तेमाल होती हैं वो 70-30 की होती हैं, 80-20 की बजाय आप 70-30 की सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। investing.com पे चेंज करने की ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपके ब्रोकर जो हैं आपको स्टॉकिस्टिक RSI इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे आप इसको 80-20 की जगह 70-30 कर सकते हैं। अब लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव निवेशक हैं और आप इसके अंदर इंट्राडे या स्काल्पिंग स्ट्रेटजी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप
सेटिंग्स के अंदर 5 मिनट की सेटिंग रख रहे हैं, तो मतलब आप बहुत एग्रेसिवली किसी स्टॉक में आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप स्टॉकेस्टिक आरएसआई की जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आप इसको 70-30 या 80-20 की बजाय 65-35 कर सकते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण सेटिंग होती है कि आप यहाँ 14 दिन की जगह 8 दिन कर सकते हैं, 8 या 10 दिन कर सकते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि आपका ये जो चार्ट है वो चेंज हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स इसमें मिलने शुरू हो जाएंगे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अपने पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये नंबर ऑफ़ डेज चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये आप 8 दिन सेलेक्ट करेंगे और 65-35 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सिग्नल्स इसमें बाय और सेल के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हम एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं और हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को रिटेन करते हैं जो कि है 14 दिन और 80-20। तो दोस्तों अब यहाँ पे बाय कब करें और सेल कब करें, बहुत सिंपल सा रूल है, आपको अगर आप नोट करना चाहें आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों बाय सिग्नल जनरेट होता है जब आपकी दो कैंडल कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन हो जाती हैं और आपका स्टॉकेस्टिक आरएसआई जो है वो 20 के नीचे होता है। अब दोस्तों आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी दो कैंडल्स कॉन्सिक्यूटिवली ग्रीन हो गई और स्टॉकेस्टिक आरएसआई यहाँ 20 से नीचे था, ये एक परफेक्ट पॉइंट था बाय करने के लिए। उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर गया तो ये एक बाय की कंडीशन है। अब उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी दो कैंडल्स ग्रीन हैं और आपका जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई, अब देखिए यहाँ इस जोन में देखिए यहाँ दो कैंडल्स ग्रीन है लेकिन स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर है, दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मत बाय करिए। मैं आपको जो रूल बता रहा हूँ वो वाला रूल फॉलो करिए, अगर आपने गलत जगह पर बाय किया तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को आपको कंबाइंड करके देखना है कि दो ग्रीन कैंडल्स और स्टॉकेस्टिक आरएसआई जो है वो 20 से नीचे होना चाहिए। उसी तरीके से सेल कब करें, जब आपकी दो रेड कैंडल्स आ जाएं और स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर हो। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेल कंडीशन बन रही है जहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स आ गई और स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर था और ये इसके बाद इसने नीचे जाना शुरू कर दिया, तो आप ये फॉल देख सकते हैं, बहुत क्लियर फॉल है। और इस समय जो आपका स्टॉकेस्टिक आरएसआई है वो लगभग शून्य के आसपास है, तो यहाँ पे काफ़ी पिटाई हुई है एक्सिस बैंक की कल। तो ये एक आपके सिग्नल्स, बहुत क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी दो ग्रीन कॉन्सिक्यूटिव कैंडल स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 के नीचे है, ये एक परफेक्ट बाय कंडीशन है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपकी दो रेड कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिवली स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर था, ये एक परफेक्ट सेल कंडीशन थी, उसके बाद स्टॉक नीचे भी आया। तो दोस्तों यहाँ पे दो तीन और बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया जो ये 80 और 20 के बीच में है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कंजर्वेटिव निवेशक हैं, इसके बीच में आपको कोई भी बाय या सेल सिग्नल हैकिन एशी में मिले आप उसके ऊपर ट्रेड मत करिए जब तक आपका रूल फॉलो नहीं होता। हो सकता है आपको बहुत एक टेम्पटिंग लगे कि चलो मैं एक ट्रेड लेता हूँ, लेकिन कोई ट्रेड मत लीजिए, आप नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे अगर आप मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर देख रहे होते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट को, यहाँ पे आपको कॉन्जिक्यूटिव 2-3-4-5-6 कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन दिख रही हैं लेकिन आपका स्टॉकेस्टिक आरएसआई जो है वो बाइंग लेवल पर नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक रूल का ध्यान रखिए कि दो ग्रीन कैंडल और स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 से नीचे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो 30 से नीचे होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपने सेल पोजीशन लेनी है या आपने सेल करना है उसको, तो आप दो रेड कैंडल, देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दो रेड कैंडल स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर, परफेक्ट सेल कंडीशन, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया। बीच में हो सकता है वो रिकवर करने की कोशिश करे पर नहीं कर पाया और वो नीचे आया। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये रूल मैंने जब फॉलो किया तो यहाँ पे मुझे 100% जो है सक्सेस मिली। और इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अभी जो एक स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में है भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये रूल अप्लाई होता है या नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए कि ये रूल बहुत क्लियरली अप्लाई होता है। इस पॉइंट पे देखिए दो ग्रीन कैंडल्स स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 से नीचे बाय,
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो ट्रेड जोन का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपका नो ट्रेड जोन में है स्टॉकेस्टिक आरएसआई तो आप वहाँ पे ट्रेड मत करिए, जैसा कि ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे दो रेड कैंडल आ गई और आपका स्टॉकेस्टिक आरएसआई लेकिन नो ट्रेड जोन में था, 20 से 80 के बीच में। यहाँ पे जो कंडीशन है वो बन सेल की रही है हैकन ऐशी के हिसाब से, कैंडलस्टिक के हिसाब से, लेकिन स्टॉकिस्टिक आरएसआई में वो 20 से नीचे नहीं है। यहाँ से स्टॉक कहीं भी जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है नीचे जाएगा, और आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने गलत निर्णय ले लिया, जैसे यहाँ पे आप देखिए जो दो आपकी ग्रीन कैंडल्स आई उस समय स्टॉकिस्टिक आरएसआई नो ट्रेड जोन में था, तो ये स्टॉक फ्लैट रहा। अब यहाँ पे हमें मालूम नहीं, अगर आप इस समय इस चार्ट को देखते तो आपको नहीं मालूम कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो जब भी आपका कंडीशन फुलफिल ना हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो, आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे देखिए परफेक्ट बाय कंडीशन बन रही है, दो ग्रीन कैंडल, स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 से नीचे, उसके बाद ये ऊपर गया। तो आइए एक और तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक और जो स्टॉक इस समय काफ़ी न्यूज़ में है, आईसीआईसीआई बैंक, इसकी भी कल अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो आईसीआईसीआई बैंक का हम चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट देखते हैं कल क्या हुआ इसके अंदर, तो देखते हैं कि अगर इसने फॉलो किया या नहीं किया स्टॉकेस्टिक आरएसआई को। तो एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल जब ये दो रेड कैंडल्स बनी, स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर था, ये एक परफेक्ट कंडीशन थी सेल करने के लिए। तो ये स्टॉक उस समय लगभग 312 313 पे ट्रेड कर रहा था, तो अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो आपको लगभग 3 या 4 रुपये का मुनाफा हो गया होता एक शेयर में, और वो भी सिर्फ आधे या 1 घंटे के अंतराल के अंदर। तो दोस्तों एक और बाय वाला देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड मतलब स्टॉकिस्टिक, ये कैंडल्स तो आपकी ग्रीन आ रही हैं लेकिन आपका स्टॉकिस्टिक आरएसआई 20 से ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे प्लीज़ मत बाय करिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि स्टॉक कहाँ जाएगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। अब यहाँ देखिए सेल कंडीशन, दो रेड कैंडल्स, स्टॉकिस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर, अब वो नीचे आ गया। तो उसके बाद देखिए आपका ये, फिर ये एक नो ट्रेड जोन था जहाँ पे आपकी दो रेड ग्रीन कैंडल्स तो आई लेकिन स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 के नीचे नहीं था। तो बेसिक थंब रूल यही है कि आप ट्रेड तभी लीजिए जब स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर है, सेल पोजीशन आपकी मैं बात कर रहा हूँ, और बाय पोजीशन आप तभी लीजिए जब आपका स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 के नीचे है और दो आपकी ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं। जैसा कि इस पॉइंट पे देखिए, दो ग्रीन कैंडल्स, स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 से नीचे, परफेक्ट बाइंग कंडीशन बन रही है, और उसी तरीके से थोड़ी देर बाद यहाँ पे परफेक्ट सेल कंडीशन बन रही है, दो रेड कैंडल्स, स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर। तो दोस्तों यहाँ एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जब ये स्टॉक ओवरबॉट से ओवरसोल्ड मूव करता है या ओवरसोल्ड से ओवरबॉट मूव करता है तो क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रुपए की मूवमेंट होगी। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और रूल्स होते हैं, वो मैं आपको एक आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अगर ओवरबॉट से ओवरसोल्ड जाएगा या ओवरसोल्ड से ओवरबॉट जाएगा तो कितने रुपए की मूवमेंट हो सकती है। तो वो हर स्टॉक के ऊपर अलग अलग होता है, वो मैं आपको एक आने वाले वीडियो में उसमें एक्सप्लेन करूँगा, पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो हो सकता है कि जब वो ओवरबॉट से ओवरसोल्ड में आए तब आपकी शायद 1 या 2 रुपये की मूवमेंट हो, लेकिन जब ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में जाए तब आपकी शायद 5 रुपये की मूवमेंट हो जाए। तो ये चीज़ थोड़ी सी सब्जेक्टिव होती है, लेकिन इसको एक अंदाज़ा लगाने का बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको एक आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस केस में देखिए, जब ये ओवरसोल्ड था, दो ग्रीन कैंडल आई, स्टॉक का प्राइस लगभग 298 रुपये के आसपास था, लेकिन जब ये ओवरबॉट जोन में गया तो आप इसको कह लीजिए कि 298 से 302 या 303 के आसपास ही आ गया, तो यहाँ पे 4 या 5 रुपये की मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब आप यहाँ पे बाई किया आपने, तो आप इसको सेल हमेशा तब करिए जब ये वापस 80 के नीचे आना शुरू करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इस जोन के अंदर ये
था ओवर बॉट जोन के अंदर, लेकिन इसकी मूवमेंट अप हो रही थी। तो ये मैं आपको अपने आरएसआई वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो है ये आखिरी रूल है कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो इसको सेल तब करिए जब स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 से नीचे जाना शुरू करे। अगर आपने मान लीजिए सेल किया, जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए सेल किया होता, तो आप इसको बाय तब करिए जब ये वापस 20 के ऊपर जाना शुरू करे। तो इस रूल का भी आप ध्यान रखिए। तो ये जो बेसिक 4-5 रूल्स थे ये मैंने आपको बताए, अगर आप इन रूल्स का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने वीडियो के नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, जो कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने डिस्प्ले किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। वीडियो के शुरुआत में वो डिस्क्लेमर आपको दिखेगा। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि आप उस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।